टेंशन फ्री हो जाइए। तीसरी चीज जो करना है वो ये है कि ये सोचना है कि हासिद एक धोबी का काम करता है आपके लिए, जिस तरह से एक धोबी कपड़े से मैल निकालता है, आपका हासिद आपके गुनाहों को उसके सर पे लेता है। मालूम हसन बसरी रहमतुल्लाह जब इनकी कोई चुगली करता, गीबत करता, बुराई बयान करता, उसको तोहफा दे देते। एक मरतबा किसी शख्स ने पूछा, ए हसन बसरी, आप लोग आपकी गीबत बुराई करते तोहफे देते? तो उन्होंने कहा, इससे अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो अपनी नेकियां मुझे देता है मेरी गीबत करके, तो मैं तोहफा ना दूं तो क्या दूं फिर इतने अच्छे इंसान को, कितना अच्छा आदमी हो। तो उनका जो हसद करने वाला था उसने हसद और उनकी बुराई बयान करना छोड़ दिया, उसने बोला तो कुछ और है उससे, समझ आप। तो आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, हसद करने वालों की बुराई, हाँ उनसे कुछ जेन्युइन पॉइंट्स आ रहे इस्लाह के तो कर लीजिए, लेकिन हसद है तो छोड़ दीजिए। तीसरा याद रखिए, हासिद क्या है, धोबी का काम करते हैं आपके लिए, ये क्या करते हैं आपके गुनाह उनके सर लेते हैं, जैसा धो देते हैं आपको। बहरहाल देखिए हसद करने वाला कितना नुकसान कर रहा है, एक तो अपने अमल बर्बाद करता है, दूसरा गुनाह भी अपने सर ले लेता है, याद रखिए। तो लिहाजा इसका इंशाल्लाह अजर मिलेगा, उसकी हसद से जो आपको नुकसान होता है उसका अजर मिलेगा।